पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुँच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और बोला, तथागत आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो, लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में, क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो। लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है
तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोनों ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है, भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है, ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर, हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था, उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज़ खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटे छोटे बात के लिए चिंता करना छोड़ दें।
जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियाँ आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना, तब उस दिन ये सारी परेशानियाँ जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, आप आज अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं, हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियाँ होती हैं, इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है, अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज़ में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़ें, सुख से जिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।